दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर से फ़ोटो डाउनलोड कैसे करते हैं। दोस्तों आप यहां से किसी भी कैटेगरी का फ़ोटो आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर सर्च करना होगा, उसके बाद आप उस फ़ोटो को कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए आपको फ़ोटो डाउनलोड करना सिखाता हूँ। पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है, जहाँ कहीं भी होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च आइकन पर आ जाना है। आप चाहे तो यहाँ पर आप माइक में भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप किस कैटेगोरीज का फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आप वो सर्च करेंगे। जैसे कि मैं एक एक्टर का फ़ोटो डाउनलोड करके दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हो सकता है दोस्तों आप वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ क्लिप्स या फिर किसी अलग तरीके का फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस तरीके का सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैं SR के लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने शाहरुख खान का फ़ोटो डाउनलोड करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं SR के लिख के और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च आइकन पे मैंने क्लिक किया और अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा इमेज का ऑप्शन। ये ऑल का ऑप्शन में न्यूज में आपको न्यूज वगैरह दिखाएगा। इमेज के ऑप्शन में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इमेज दिखाएगा। अब आप इसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये द टाइम ऑफ इंडिया के द्वारा अपलोड किया गया फ़ोटो है, तो मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन इमेज इन न्यू वे टैब, उसके बाद प्रीव्यू इमेज, कॉपी इमेज और यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है। चले मैं आपको गैलरी में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि फ़ोटो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं गैलरी ओपन कर लिया हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़ोटो डाउनलोड हुआ है नहीं। आप देख सकते हैं ऑल में यहाँ पे नंबर 1 पे ये फ़ोटो डाउनलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो को क्रोम ब्राउजर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।